मोहाली 6 फेस दे नाल लगदे पिंड जुझार नगर दे विच अज पंजाब दे सेहत मंत्री सरदार बलबीर सिंह सिद्धू अते ओपी सोनी वल्लों साइंस मैडिकल कॉलेज दी बाउंड्री दा नींह पत्थर दा उद्घाटन कीता गया। इस दी जानकारी ओपी सोनी वल्लों पत्रकारां नूं दित्ती गई। पंजाब सरकार पंजाब च तकरीबन नवे 4 मेडिकल कॉलेज बनाउण जा रही है, जिहदे च सब तो उपर जिहड़ा जिहड़ा इह असीं चालू करना मेडिकल कॉलेज मोहाली दा। सो मैं समझना इहदे च साडे हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिद्धू जी इन्हों का बहुत बड़ा योगदान रहा। सो इन्हों की हिम्मत सदका अज जी कॉलेज की असी बाउंड्री वॉक शुरू की है। सो इन्होंने सब तो पहले सानू इतने 10 एकड़ जमीन जी पंचायत को लैके दिती है। सो मैं जिते इन्हों का थैंक्स करना इन्हों के सारे सरपंच बन का थैंक्स करना जिन्होंने जिन्हिया पंचायतों ने सानू कॉलेज वास्ते जमीन दिती है। सो इस मेडिकल कॉलेज तो सरकार का 450 करोड़ रुपये के करीब जरा वो खर्चा आ रहा है। सो इस साल ही असी चालू करना है, वो 325 करोड़ रुपया बिल्डिंग दे लगना, 50 करोड़ की मशीनरी जी इत्थे आनी है नवी। सो मैं समझना टेंडर जरा असी 15 दिनों के बिच जरा वो ला देना, बिल्डिंग का भी कॉलेज का भी हॉस्पिटल का भी। सो यू जरा असी टाइम लिमिट असी 1.5 साल च असी इनू कंप्लीट करना है, क्योंकि सिद्धू साहब ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज का वैसे तो क्लासा जीडिया ने असी इस साल ही चालू कर देनिया ने, फैकल्टी असी लै ली 80% के करीब। सो डॉक्टर उन्हें डॉक्टर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नर्सिस बाकी स्टाफ साड़ी भर्ती जी बड़ी स्पीडली चल रही है। सो क्लासा जीडिया ने वो इस साल चालू हो जाए ने। सो बिल्डिंग का काम जरा चाहे वह कॉलेज की बिल्डिंग आ चाहे हॉस्पिटल की बिल्डिंग आ वो असी BRR नूं काम दे दिता। मैं दसिया टेंडर असी जल्दी ला देने ने ते 1.5 साल के बीच में इस कॉलेज को असी कंप्लीट करना। सो साडे कोल आ रहा नहीं जरा 300 बैड का हॉस्पिटल इत्थे हैगा जरा सिविल हॉस्पिटल को। सो 300 बैड का हॉस्पिटल साडे कोल आ रहा नहीं हैगा, ये 200 बैड जड़े ने वो असी होर तैयार करने हैं जेड़े असी 1.5 साल के बीच कॉलेज की बिल्डिंग पूरी तरह हॉस्पिटल की 200 बैड हॉस्पिटल है जी बिल्डिंग जी वो असी 1.5 साल च कंप्लीट कर रहे हैं। काम जरा इस साल से असी स्टार्ट कर देना। बाकी कॉलेज कि यूनीक है मेडिकल कॉलेज, हाँ जी मोहाली का कॉलेज कि यूनीक है बाकी कॉलेज। देखो देखो हर तरह की फैसिलिटी इतने हो गया, किसी तरह की कोई कमी पेशी नहीं होगी। ये गरीब लोग ज़्यादातर जोड़े साढ़े हॉस्पिटल ने मेडिकल कॉलेज एक तो बच्चों की एजुकेशन मेडिकल कॉलेज इतने साढ़े पंजाब के बच्चे जोड़े ने वो डॉक्टर बनने ने। ये जी मेडिकल एजुकेशन है यदा मेन जोड़ा काम आंजाब असी डॉक्टर बनाने साढ़े मेडिकल कॉलेज जोड़े ने उत्थे डॉक्टर बनते हैं। सो इतें जोड़े ने हर साल असी तकरीबन 250 के करीब जोड़ा वो डॉक्टर इतों बना के भेजा जी पंजाब की सेवा कर रही हॉस्पिटल भी वो 500 बैड का हॉस्पिटल जरा वो ये बनना जिद हर पेशेंट न जड़िया ने वो सहूलत मिलनगर हर तरह दहूलत मिल। मैं सब तो पहले तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का, उस तो बाद सोनी साहब जी का जो बड़े भरा ने जो सा मेडिकल मिनिस्टर ने धन्यवाद करता कि इन्होंने बहुत ही बढ़िया जो उपराला किया जो मेरी मदद ने की है, खास करके जो मेरी चाह से सारे डी के तिवाड़ी जी सारे प्रिंसिपल सैकटरी एजुकेशन
कि इन्होंने इन्नी शिद्दत दे नाल काम किया जो काम बड़ा स्पीड अप किया जो इस साल से क्लासा सैशन स्टार्ट होने जा रहा है ये साड़ी सब तो बड़ी प्राप्ति है। असी एक मैडिकल एजुकेशन दे विच पंजाब च एक नवा इतिहास सिरजा जा रहा है कि जो साड़ी सरकार का फैसला से असी भी हर जिले एक मैडिकल कॉलेज देना तो चार मैडिकल कॉलेज असी बनाने की योजना साड़ी सरकार की है जी आलमोस्ट अगले साल सारी पूरी हो जाएगी। दूजी गल ये जी मैं खास करके इन पिंडा का बहुत धनवादी हाँ जिन्होंने चाहे वह बलोलपुर हो चाहे जुझार नगर या चाहे बड़माजरे की गल करते हैं कि इन्होंने जिन्ना सानू कोऑपरेट किया है तो खास करके स्लम एरिया से जोड़ा इस एरिया डिवेलपमेंट के बहुत बड़ा बकायदा इस फायदा होना है तो जोड़ा इतों रस्ते बनने होर बनने तो ये इलाके की तरक्की होएगी तो जरूर सी साडे समय की तो अज की डेट के साढ़े को डॉक्टर की बहुत वो शॉर्टेज है उसकी कमी को पूरा करने वास्ते सानू मेडिकल कॉलेज। मोहाली तो निशान सिंह की रिपोर्ट लाइव इंडिया न्यूज़ 24।